हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी में आज हम पल्लव पढ़ेंगे, ठीक है। व्याकरण निधि हमने पढ़ लिया है, जिसमें से हमने पार्ट ए, दो, तीन, चार लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, और ये चारों लेसन आपके पीए एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से अपनी कॉपी में भी पूरा कर लीजिए और उसको याद भी करते चलिए। और पल्लव में भी हमने पार्ट चार तक कंप्लीट कर लिया है ना, पार्ट चार तक पूरा कर लिया है, पार्ट ए, दो, तीन, चार पूरा कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट पाँच, ठीक है। पार्ट पाँच पढ़ेंगे और पार्ट का नाम है परिश्रम का महत्व। पार्ट का नाम क्या है? परिश्रम का महत्व, ठीक है। तो पहले हम शब्दों से दोस्ती करेंगे, उसके बाद हम कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शब्दों से दोस्ती कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता का अर्थ काम में माहिर होने का भाव। कार्यकुशलता का अर्थ काम में माहिर होने का भाव। अगला है प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ है बड़ाई। प्रशंसा का अर्थ है बड़ाई। परिश्रमी। परिश्रमी का अर्थ है मेहनती। परिश्रमी का अर्थ मेहनती। अगला है खींचना। खींचना का अर्थ है झुंझलाना। खींचना का अर्थ है झुंझलाना। गर्व से सीना तानना। गर्व से सीना तानना का अर्थ है अत्यंत खुश होना। अत्यंत खुश होना। चरण। चरण का अर्थ है पैर। मूल्य का अर्थ है कीमत। तो कार्यकुशलता का अर्थ काम में माहिर होने का भाव, प्रशंसा बड़ाई, परिश्रमी मेहनती, खींचना झुंझलाना, गर्व से सीना तानना, अत्यंत खुश होना, चरण पैर मूल कीमत, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और इसे याद भी करना है, ठीक है। तो चलिए आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अपनी बुक से और इसे याद भी कर लीजिएगा। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। कहानी में दिया है पार्ट पाँच परिश्रम का महत्व। रामपुर के लोहार धनसुख का बड़ा नाम था। रामपुर के लोहार थे और उनका नाम क्या था? धनसुख। उनका क्या था? लोहार। रामपुर गांव में उनका बड़ा नाम था, बहुत नाम था उनका। उनके द्वारा बनाए गए खेती के औजार दूर दूर के गांवों के किसान आकर ले जाते थे। जो उनके द्वारा बनाए गए खेती के औजार थे, खेती में बहुत सारे औजार लगते हैं ना, तो उनके द्वारा बनाए गए खेती के औजार दूर दूर के गांवों के किसान आकर ले जाते थे। उनकी कार्यकुशलता की सभी खुले दिल से प्रशंसा करते थे। उनकी कार्यकुशलता, कार्यकुशलता का काम में माहिर होने का भाव, जो उनका काम में माहिर होने का भाव था, वो सब खुले दिल से उनकी बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे। धनसुख के बेटे का नाम मनसुख था। अब धनसुख के बेटे का नाम क्या है? मनसुख था। पिता जितने परिश्रमी थे, पिता जितना ही मेहनत करते थे, बेटा उतना ही आलसी था। पिता जितना मेहनत करते थे, बेटा उतना ही आलसी था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत दुखी रहते थे। उसके जो माता पिता थे, वो उसकी इस आदत से, जो उसका आलसी होने का आदत था, वो उससे बहुत दुखी थे। एक दिन धनसुख की पत्नी ने पति को राय दी। धनसुख की पत्नी ने अपने पति यानी धनसुख को राय दी। क्या राय दी? यदि बेटे का विवाह कर दिया जाए, शादी कर दिया जाए, तो वह शायद सुधर जाए। यदि बेटे की शादी कर दी जाए तो शायद वह सुधर जाए। लेकिन धनसुख इस बात से सहमत नहीं थे। धनसुख क्या थे? इस बात से नहीं सहमत थे, वो इस बात को नहीं माने। उन्होंने कहा, जब तक मनसुख अपनी मेहनत से कमा कर घर में कुछ नहीं लाएगा, उसका विवाह नहीं करूँगा। क्या कहे धनसुख? धनसुख कहे, जब तक मनसुख यानी उसका बेटा अपनी मेहनत से कमा कर पैसे को नहीं लाएगा, घर में कुछ नहीं लाएगा, तब तक उसकी शादी नहीं करेंगे। अच्छा हो कि तुम उसे ईमानदार और मेहनती बनने की सलाह दो। वो अपनी धनसुख अपनी पत्नी से कहते हैं कि अच्छा हो कि तुम उसे ईमानदार और मेहनती होने की सलाह दो।
धनसुख ने क्या कहा? धनसुख ने कहा, जब वह कुछ कमाने लगेगा मैं स्वयं ही उसका विवाह कर दूंगा। जब मनसुख कुछ कमाने लगेगा तो स्वयं ही उसका विवाह धनसुख कर देंगे। धनसुख की यह सलाह पत्नी को अच्छी ना लगी। धनसुख ने जो बोला कि वह अपनी मेहनत से कुछ कमाए, उसकी यह सलाह उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी। वह तो कुछ और ही सोच रही थी। एक दिन उसने अपने बेटे मनसुख के हाथ में कुछ सिक्के देकर कहा, उसकी पत्नी, धनसुख की पत्नी अपने बेटे को यानी मनसुख को उसके हाथ में सिक्के देती है और क्या कहती है, ये सिक्के अपने पिता को देकर कहना कि इन्हें आज अपने मेहनत करके कमाया है। क्या कहती है, धनसुख की पत्नी अपने बेटे से कहती है सिक्के देकर कि आप अपने पिता से कहना कि अपनी मेहनत से इसे कमा कर लाया हूँ। तो शाम को मनसुख पिता के पास गया और उन्हें सिक्के देकर जैसा माँ ने सिखाया था वैसे ही कहा। धनसुख उस समय भट्टी पर बैठे औजार बना रहे थे। धनसुख क्या कर रहे थे, भट्टी पर बैठकर औजार बना रहे थे। उन्होंने इन सिक्कों को भट्टी में डाल दिया। उसकी माँ के द्वारा दिए गए सिक्कों को धनसुख ने क्या किया, भट्टी में डाल दिया। यह देखकर मनसुख खींच गया, झुंझला सा गया। यह देखकर कि वह सिक्का वो उस भट्टी में डाल दिया, यह देखकर मनसुख क्या हो गया, झुंझला सा गया। आपने इन सिक्कों को भट्टी में डालकर अपना ही नुकसान किया है, यह कहकर वह माँ के पास चला गया। मनसुख ने अपने पिता से कहा कि इन सिक्कों को भट्टी में डालकर आपने अपना ही नुकसान किया है, और यह कहकर वो अपनी माँ के पास चला गया और उन्हें सारी बात बता दी कि पिता ने सिक्कों को भट्टी में डाल दिया है। माँ को यह समझते देर न लगी कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वह अपनी मेहनत के द्वारा कमाए गए सिक्कों को नहीं लाया था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मनसुख ने सचमुच मजदूरी करके कुछ सिक्के कमाए। मनसुख क्या किया, मजदूरी किया और कुछ सिक्कों को कमाया और गर्व से सीना तानते हुए पिता के पास पहुंचा। अत्यंत प्रसन्न होकर वह अपने पिता के पास पहुंचा। उसने जेब से सिक्के निकाले और पिता के चरणों पर रखते हुए कहा, जेब से अपने वो पैसे निकाला और पिता के पैर पे रखते हुए कहा, पिताजी ये सिक्के मैंने मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं। कैसे कमाए हैं, ये सिक्के मैंने मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं। बेटे की बात सुनकर धनसुख ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य मालूम हो गया है, तुम्हें मेहनत की कमाई का कीमत मालूम हो गया है, तभी तो आज तुम्हारा सीना गर्व से तना था। मैं समझ गया कि अब तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। उसने क्या किया था, वो अपनी मेहनत से सिक्कों को कमाया, ईमानदारी से कमाया और अपने पिता के चरणों में लाकर रख दिया और अत्यंत खुश होकर सीना तान कर बोला कि आज मैं ये पैसे, ये सिक्के अपनी मेहनत से लाया हूँ। और उसका पिता यानी धनसुख खुश हो गया और उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य यानी कीमत पता चल गया है और तभी तो आज तुम्हारा सीना गर्व से तना था। मैं समझ गया तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे को कमाने का कीमत समझ गया था। जो व्यक्ति परिश्रम से जो जी नहीं चुराता है वह जीवन भर सुखी रहता है। आपके पाठ में दिया हुआ है शिक्षा में, जो व्यक्ति परिश्रम से जी नहीं चुराता है यानी परिश्रम करते हुए वो आलसी नहीं बनता है। पहले वो आलसी था, है ना, पहले मनसुख आलसी था, अब क्या हुआ, परिश्रम करके वो पैसे को कमाने लगा था। तो जब परिश्रम करके जी नहीं चुराता है वह जीवन भर सुखी रहता है, वो जीवन भर प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो आपको क्या शिक्षा मिली इस कहानी से, जो व्यक्ति परिश्रम से जी नहीं चुराता है वह जीवन भर सुखी रहता है। ठीक है, तो आज आप इस कहानी को पढ़ना, इसे समझना, शब्दों से दोस्ती करना, शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, याद भी कर लेना। ओके, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके।